कितने मजे की सब्जी लग रही है। वाओ, यहाँ पे है कड़ी गर्मा गर्म। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं, बाहर खाना लग रहा है और आज बहुत ही मज़े का खाना बना है। अच्छा, वीकेंड्स जो है ना वो हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ में स्पेंड करें हम जो भी फ्रेंड्स हैं। और खाना मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का खाना है। ये क्या है? ये भुना हुआ चिकन बन रहा है। इसकी आवाज़ इतने मज़े की आ रही है ना, शर शर। अच्छा, यहाँ पे है राइस। वाओ, और यहाँ पे जो है ना ड्रिंक सेट करके रखी हुई है जबरदस्ती लग रही है। शीट यार, मैंने थोड़ा सा अचार भी लाया है, खाएंगे? हाँ, यहाँ पे है कड़ी गर्मा गर्म। ओह माय गॉड, इतने मजे की लग रही है। ये हिना है जो खाना गर्म गर्म तैयार करके बैठी है। मजे क्या, ये अब्दुल्ला, यसरा और दादा भी आ गए हैं। व्यूअर्स, मेरी फ्रेंड रहती हैं हॉस्टल में और हॉस्टल में इनके पास गैस स्टोव नहीं है, इनके पास सिर्फ इंडक्शन है या फिर इलेक्ट्रिक कोई कुकिंग पैन। ये जो डिफरेंट तरह के इंडक्शन हैं या पैंस हैं, इलेक्ट्रिकल पैंस, इनमें पकाना बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे हम गैस पे पकाते हैं, लेकिन फिर भी इतने मज़े के खाने बनाती हैं। दोपहर का खाना खा के हम बाहर गए थे, मैं थोड़ा आपको बाहर विज़िट कराती हूँ, फिर आके बात करते हैं दोबारा इस इंडक्शन पर। तो ये है जनाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, और यहाँ पे ना डिफरेंट तरह के रूम्स अवेलेबल होते हैं। कुछ सिंगल रूम्स होते हैं, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, और मेरी फ्रेंड रहती है स्टूडियो अपार्टमेंट में। मैं यही सोच रही थी कि हॉस्टल लाइफ में इतने ज़्यादा ज़्यादा देसी खाना पकाना और गेस्ट को इनवाइट करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और मैं आज अपने व्यूअर्स से डिस्कस करूँगी, शायद उन्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले। फिर बाहर से थोड़ा सा इंजॉय करके घर जाते हैं, और फिर मैं हीना से पैंस वगैरह के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैच चल रहा है डिफरेंट टीम्स का, और जब मैच ख़त्म हो जाता है यानी इनकी कोई इनिंग्स है या जो भी है वो ओवर हो जाती हैं, तो ये लोग मज़े का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ढोल की तरह, और इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, मज़ा आ रहा है। क्या खेल रहे हैं? हम लोग प्ले ग्राउंड में इंजॉय कर रहे हैं, और साइड पर जो है हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इस साइड पर जो है अपनी फुटबॉल लेकर आए थे, जो कि आप आगे देखेंगे कि नीचे गिर गई थी, और यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, और इनको नेट और खुली जगह भागने के लिए मिली हुई है, और बड़ा रिलैक्स होकर ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। बच्चों, हम ऊपर बैठे हुए हैं थर्ड फ्लोर वाली सीट पे, थर्ड फ्लोर वाली सीट पे। इतना मजा आ रहा है, शाम का टाइम है और आसपास सारी ग्रीनरी ग्रीनरी है। दो साइड्स पे मैचेस चल रहे हैं, पीछे भी मैच चल रहा है और आगे भी मैच चल रहा है, और ये लोग बच्चे अपनी भी बॉल लेकर आए हुए हैं, और हीना बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चा वीडियो बनवा रही है। One, two, three, go! Mommy, shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark.
यहाँ पे ना मेरे पूरे चारों साइड पे जाना है, डिफरेंट तरह के लॉन और गार्डन्स हैं। बच्चों ने डांस भी किया है और खूब सारा एंजॉय किया। इस टाइम पे सनसेट हो रहा है और पूरा दिन हमने गपशप करके मज़े मज़े की चीज़ें खा के एंजॉय। अब्दुल्ला ने यहाँ से उठाई है इमली, दिखाओ अब्दुल्ला। वाओ, It comes from the tree. What is sandwich? Snail भी है। यहाँ पे हीना बना रही है पराठा और हॉस्टल्स में हमारे पास इतनी लिमिटेड स्पेस होती है और उसमें भी जो है ना इन्होंने इंडक्शन पैन के ऊपर रखा हुआ है फ्राई पैन और यहाँ पे साइड पे थोड़ी सी जगह उस पर बेल रही है। मैं आज लिटरली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इनका तरीका देख के माशाल्लाह से, कि जिन्होंने करना होता है वो किसी भी हाल में जो है ना कर लेते हैं, तो फिर किसी चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाते। ये हमारा जबरदस्त सा पराठा रेडी हो रहा है। वाओ, इंडक्शन पे बन रहे हैं पराठे और ये है मीट बॉल स्पगेटी। अच्छा हीना, ये मीट बॉल स्पगेटी जिसमें बनाई है इसको क्या कहते हैं? पैन कहते हैं? क्या कहते हैं? ये इसी के अंदर कुक होता है ना? मतलब कुक इसी के अंदर होता है ना इसको? अच्छा, इसमें यहाँ पे बटन्स गिवन है, इसके हिसाब से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और रीहीट भी कर सकते हैं ना इसमें। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कुकिंग के लिए जिनके पास गैस ना हो। हमारे पास बहुत सारी तरह की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसी आती हैं जिसके अंदर हम कुकिंग कर सकते हैं। अब ये ख़ुद से ही एक इलेक्ट्रिकल पैन है और इसमें भूनने का ऑप्शन है और दम पे रखने का ऑप्शन और रीहीट का ऑप्शन। आई थिंक इतने मज़े की सब्ज़ी लग रही है। अच्छा, ये भी इंडक्शन पर पकी हुई सब्ज़ी है और ये भी आ गया जी। Wow. कुछ लोग कहते थे कि स्टर फ्राई वगैरह हो सकते हैं लेकिन इंडक्शन पे इस तरह देसी कुकिंग नहीं हो सकती मज़े की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर देसी किया हुआ है और बहुत मज़े का बनाया हुआ है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि पाकिस्तान में भी अगर सम टाइम गैस नहीं होती तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को यूज़ करके जो है अच्छा सा खाना बना सकते हैं, किसी को फील भी ना हो कि गैस नहीं है और हमने सब इलेक्ट्रिकल स्टोव पर इतने मज़े का खाना बनाया है। खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था, हाईली डिलीशियस और कोई कह नहीं सकता कि बग़ैर गैस के बना हुआ है और उसमें ज़रा भूनने में आसानी रहती है। खैर, मैं बेक करके लाई थी ट्रेसलिचेस केक और आप लोगों ने कभी ट्राई किया है या नहीं? अगर नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत मॉइस्ट और बहुत रिच केक बनता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। हम जब साथ में बैठते हैं तो हम बाहर भी घूमते हैं, हम घर में भी बैठते हैं, हम चाय भी पीते हैं, हम मूवीज़ भी देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है और इससे हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी गैदरिंग की है, मज़ा किया है, फ़न किया है, इफ्तार की है और हाँ बस अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन खुल गया तो सारी मतलब कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद जब आप किसी जगह पे विज़िट करते हैं और चीज़ें खुली होती हैं और लोग वापस आए होते हैं तो देखकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इस कोविड को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और फिर हम उसी तरह से अपनी लाइफ इंजॉय करें, बड़ी बड़ी पार्टीज़ करें, बग़ैर इतने ज़्यादा डर खौफ के ज़िंदगी गुजारें। आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और अब होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।